सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तब वो खुदा की महिमा जो आपकी लाइफ से होगी वो अमेजिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। हालेलुया। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ आप अकेले अकेले की उस गवाही को। हालेलुया। सो वो कितनी धन्य बात होगी। आमीन। वो वाकई ग्रेट थिंग होगी। अपनी टेस्टमनी को रिसीव करना और उस टेस्टमनी के साथ खड़े होना बहुत ही एक वर्ल्ड से परे, बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप उस बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे उस सामर्थ्य को, उस डिवाइनली अरेंजमेंट्स को आप एक्सपीरियंस कर सको अपनी टेस्टमनी के साथ। आमीन। तो ये पॉसिबल कैसे है? परमेश्वर के प्रेम में जब बने रहोगे। हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? वे उत्तम है, वे क्या है? वे ग्रेट है। परमेश्वर का प्रेम क्या? निस्वार्थ है। सो जब हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, दुख सहा, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया ताकि हम जीवंत जीवन जी सकें, इसलिए हम केवल उसके लिए कि उसने जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने मारा गया, क्रूस पर चढ़ा, दुख सहे, सिर्फ इसीलिए जो उसने हमारी ताड़नाओं के लिए, हमारे लिए, हमारी ताड़नाओं के लिए कि हमें शांति पहुंचे, दुख सहा, सिर्फ इसीलिए हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए हम उससे निस्वार्थ प्रेम करेंगे, तो मेरा विश्वास है आप कभी भी गिरोगे नहीं। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 35 को निकालें, जिसमें लिखा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई, गरीबी, कोरोना महामारी, जोखिम, कष्ट उठाना या विरोध, तलवार? क्या चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या गरीबी, नंगाई, क्या क्लेश, या लोगों का विरोध करना, या जोखिम, जो कष्ट उठाना परमेश्वर के कामों के लिए? क्या हमें इनमें से कुछ भी, क्या वो पूछ रहा है परमेश्वर का वचन, क्या इनमें से कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? इन चीजों में से एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों, आप निकालेंगे जब 1 कुरिन्थियों 13 उसकी 13 में लिखा कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थाई हैं, सदा बने रहने वाले हैं। विश्वास भी बना रहेगा आपका, आशा, उम्मीद के परमेश्वर मुझे छुएगा, मुझे आजाद करेगा, टेस्टमनी के साथ भरेगा, और प्रेम, जब आप एक बार परमेश्वर के प्रेम में पड़ गए, परमेश्वर से प्रेम में बन गए, फिर आप गिरेंगे नहीं, ये तीनों स्थाई रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है इन तीनों में से उत्तम है प्रेम। सो 1 कुरिन्थियों 14:1 में परमेश्वर कहता कि प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जो स्वयं प्रेम है, उस प्रेम का जो पवित्र है। आजकल का मत सोचने लग जाना परमेश्वरीय प्रेम। हालेलुया। जो पवित्र है परमेश्वर का प्रेम, जो निस्वार्थ है, जो ग्रेट है, सब चीजों से उत्तम है, कि जब हम उसे जानते भी नहीं थे, हमने उसे रिक्वेस्ट भी नहीं, तब खुदा ने कोड़े खाए, तब दुख सहा, ऐसा प्रेम परमेश्वर कहता। जिन्होंने परमेश्वर को मारा, जिन्होंने उनकी बेइज्जती की, क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर आखिरी समय उन्हीं के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन सभी को माफ कर, ऐसा प्रेम। हालेलुया। ऐसा प्रेम जब आपका भी परमेश्वर के साथ होगा कि मुझे चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, आप गिरेंगे नहीं। आमीन। आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन आज के लोग हम देखते हैं बिजी हैं किन चीजों में? पैसा कमाने में जी रहे हैं। उनका मोटिव है सिर्फ पैसा। उनका मोटिव क्या होना चाहिए? परमेश्वर का सुसमाचार, जो परमेश्वर जी उठा, वो बड़े काम करता, वो तो दुनिया में, पूरे इंडिया में फैल जाने चाहिए वो खुदा के काम। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का मोटिव क्या है? पैसा कमाना। कुछ लोग निराशा में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ लोग नशों में जी रहे हैं। कैसे? उन्हें नहीं पता कि मेरे बच्चों के क्या, मैं आगे इनका क्या सोचूं, घर में खाना है या नहीं, जो कमाते उसे नशों में खत्म कर दिया पैसा, तो वो कैसे नशों में जी रहे हैं।
कुछ लोग दुखों में जी रहे हैं, बस रोते रहते, उन्हें लगता कि मैं सबसे दुखी हूँ। हाय तू ऐदा प्रभु, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देना, मैं कितना दुखी हूँ। उन्हें लगता मैं दुखी हूँ, बस दुखों में जी रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी जी उठने की सामर्थ्य का उन्हें एहसास ही नहीं कि परमेश्वर क्या कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो तू मांग रहा है उससे कहीं अधिक खुदावन तुझे दे सकता है। लेकिन आज से हम जितने क्लिसिया, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। एक दूसरे को बोलें कि आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आज से हम परमेश्वर पैसे में नहीं, दुखों में नहीं, निराशा में नहीं, नशों में नहीं यूथ, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। यहूदा कहता कि यदि तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के साथ हो गया तो तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम गिरोगे नहीं, तुम बैकस्लाइड नहीं होगे। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आमीन। वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो परमेश्वर का प्रेम जो कि वटांदरे की बात नहीं करता कि मैं चर्च में आऊंगा, मैं बीज बोऊंगा, तू मुझे ब्लेस कर। निस्वार्थ, बिना कुछ परमेश्वर से मांगे, बिना कुछ अपेक्षा किए हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके घर में आएंगे, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएंगे, रूहों को बचाएंगे। निस्वार्थ प्रेम के साथ आज से हम जिएंगे। हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर का अगर हमारी लाइफ में हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थाई, लेकिन इनमें से प्रेम उत्तम है, सबसे बड़ा है। और प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुकरण करो, उसका प्रेम जैसे उसने जगत से प्रेम किया, पिता ने प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहे, कोड़े खाए, ऐसा प्रेम उसका अनुकरण करो। आमीन। तो हम ब्लेस होंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं। सब क्लीसिया कहें आमीन। तो आज से हम परमेश्वर का अनुकरण करेंगे। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर की दया की बाट जोहते रहो। सब क्लीसिया कहें आमीन। और ऊंची आवाज से बोले, आज से मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। भजन संहिता 25 उसके 3 में लिखा कि वन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जितने तेरी बाट जोहते हैं, सब बोले, जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई लज्जित ना होगा जो कारण विश्वास खाती हैं, जो बिना बात के विश्वास खाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। पर जितने तेरी बाट जोहते हैं, जितने परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जितने परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनमें से एक भी बेइज्जत ना होगा। आमीन। सो हमें क्या प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूं। साम भजन संहिता 71 में लिखा कि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, मुझे संभाल। सो आज से हमारी आशीष का, हमारी टेस्टमनी को लेने का तरीका क्या है? परमेश्वर की बाट जोहना। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उनके मुख कभी काले नहीं होते, मुख काले नहीं होते। परमेश्वर कलर कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये इस वचन की बात कर रहा है जो आपने पढ़ा अभी, कि जितने उसकी बाट जोहते वे कभी लज्जित नहीं होते। जितने विश्वास करते परमेश्वर पर उनके मुंह कभी काले नहीं होते, यानी कि वो लज्जित नहीं होते, वो बेइज्जत नहीं कभी भी होंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। जितने यहूदा कहता, जितने मसीही विश्वासी प्रेरितों की टीचिंग को याद रखेंगे कि क्या कहा प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के, कि जितने परमेश्वर की बाट जोहेंगे वे कभी बेइज्जत लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, उनके कभी इंसल्ट नहीं होगी। आमीन। वो हमेशा अपने घराने में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में हमेशा अलग दिखेंगे, दूर से दिखेंगे, दूर से चमकेंगे, लोग उनकी गवाही देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे होंगे आप जब प्रेरितों की टीचिंग को सुनेंगे। यहूदा कहता है ऐसे ऐसे जैसे प्रेरितों की टीचिंग को सुनेंगे ना, उसकी बाट को जोहेंगे, ऐसे परमेश्वर कहता मैं तुम्हें चमका दूंगा, सबसे अलग कर दूंगा, तेरी टेस्टमनी को लोग देंगे, तेरी टेस्टमनी को लोग सुनेंगे, परमेश्वर कहता। आमीन। सो आज से परमेश्वर में एक मन, परमेश्वर के साथ सहभागिता, विश्वास को अपने बढ़ाना है, अपने अति पवित्र विश्वास का निर्माण आज से आपका हो चुका। सो उस विश्वास की उन्नति करनी, उस विश्वास को बढ़ाना है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है।
हालेलुया। रोज प्रार्थना में अपने समय का दशमांश रोज प्रार्थना में बैठना है, आमीन। आत्मा में बढ़ना, आत्मा में प्रार्थना करना। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। चौथा, परमेश्वर की बाट जो होना, वेट करना खुदा के टाइम की, इंतजार करना, परमेश्वर मुझे छुएगा, परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर करेगा, वो हील करेगा, वो चंगाई देगा मुझे, वो मुझे छुटकारा देगा, अपनी शांति देगा, मेरे लाइफ से क्लेशों को दूर करेगा, मेरी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करेगा, ब्लेस करेगा, मेरे बच्चों को एक उच्च अधिकारी एक नई पोस्टों तक पहुंचाएगा। विश्वास करना, हालेलुया। यहूदा कहता तब तुम गिरोगे नहीं, आमीन। तो सभी जन प्रार्थना करें हाथों को उठाकर, परमेश्वर आज से हम बने रहे तुझ में, परमेश्वर आज से हम बने रहे खुदावन, कोई भी विपत्ति शैतान का, कोई भी अटैक खुदावन, कोई भी बीमारी, कोई भी विरोध हमें परमेश्वर तुझसे दूर ना करने पाए, कोई भी विरोध हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन, कोई बीमारी हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन, कोई क्लेश हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन, हम तुझ में बने रहे पर्सनली इंडिविजुअली खुदावन, आमने सामने होकर खुदावन, व्यक्तिगत रीति के साथ पर्सनली तेरे साथ आज हम रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके खुदावन, ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस, ऐसा अनुग्रह दे हम पर, ऐसी दया कर खुदावन हम पर, क्या से हम अपने विश्वास की उन्नति कर सके, आज हम आत्मा में प्रार्थना कर सके, आज हम तेरे प्रेम में जिए, आज हम तेरी बात जो है खुदावन, तेरे वचन पर चले, तेरी वेट करे खुदावन, तेरे रास्तों पर चले, ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस दे खुदावन, एक एक जन को छू खुदावन, ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस दे परमेश्वर, जितने जन आज वचन को सुने खुदावन, 100 गुना फल इनकी लाइफ में आए, ये वचन इनकी लाइफ में बोया जाए परमेश्वर, व्यक्तिगत रीति से आज से ये तेरे साथ एक गहरा नाता स्थापित कर सके परमेश्वर, ये कभी गिर ना पाए परमेश्वर, ये कभी गिरने ना पाए, ये कभी पीछे ना हो पाए खुदावन, हमेशा तुझ में आगे बढ़ते जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। वर्षिप करे सब जन, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। ऐसी किड़ मिड़ लाए प्यास दिलाने, प्यास बुझाए, लूने ऐसी किड़ मिड़ लाए प्यास दिलाने, ऐसा मेरा विश्वास है परमेश्वर,
आज का वचन 30 गुना 60 गुना और 100 गुना इनके लाइफ्स में, इनके इनके दिलों में, हृदय माइंड्स में, थॉट्स में, इनके लाइफ्स में खुदावंद, इनके परिवारों में बोया जाएगा। ये कभी गिर नहीं सकेंगे खुदावंद, ये कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे खुदावंद, ये हमेशा तुझ में बढ़ते जाएंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे खुदावंद, तेरे दानों वरदानों में बढ़ते जाएंगे, तेरे कामों में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, तेरे मत्से में बढ़ते जाएंगे, तेरे ग्रेस